हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जे गौड़ो ऐप। इंडिया में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में तगड़ा हाइक देखने को मिला है, उससे साफ साफ नजर आ रहा है कि इंडिया में आने वाले कुछ सालों में तगड़ा चेंज आने वाला है और ये चेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने वाले हैं। अभी के टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी और कम अवेयरनेस के चलते इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड कम है, लेकिन जैसे जैसे लोगों में आगे चलकर अवेयरनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड भी बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट भी अच्छी काफ़ी सब्सिडीज दे रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर। अब इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स के फास्ट चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड होना है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आगे चलकर चलेंगी तो इलेक्ट्रिक कार्स ही। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट अवेटेड अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स इन इंडिया। तो फर्स्ट इन द लिस्ट इज टाटा टिगोर ईवी। टाटा मोटर्स ने आज, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के ही दिन में टाटा टिगोर ईवी को अनवील कर दिया है और जल्द ही 5-6 महीनों के अंदर ही ये गाड़ी आपको इंडिया की सड़कों पर देखने को मिलेगी। अभी के टाइम में टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेगमेंट में सबसे ज्यादा कार्स बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। करंट मार्केट में टाटा नेक्सॉन ईवी काफी बढ़िया सेल्स निकाल रही है, क्योंकि नेक्सॉन ईवी अभी के टाइम में करंट मार्केट में सबसे कम कीमत में मिलने वाली बढ़िया इलेक्ट्रिक कार है। लेकिन जल्द ही टाटा टिगोर टाटा नेक्सॉन से कम कीमत में मार्केट में लॉन्च होगी और काफी बढ़िया पैकेज प्रोवाइड करने वाली है टाटा की यह नई कार। इसके कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि इसमें आपको बैटरी के साथ 8 ईयर्स की वारंटी मिलेगी, इसकी पिकअप स्पीड भी काफ़ी अच्छी होगी नेक्सॉन से, और इसमें और भी कई सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। ड्राइविंग रेंज भी इसकी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, वन चार्ज में 200 से 250 किलोमीटर के आसपास। कीमत के बारे में अभी कुछ एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गाड़ी की कीमत लॉन्च होने के बाद अराउंड 10 लाख रुपीज़ के आसपास हो सकती है। इसी के बाद टाटा मोटर्स अपनी एक और न्यू इलेक्ट्रिक कार को मार्केट में लॉन्च करेगी। ये कार है टाटा अल्ट्रोज ईवी। ये भी हैचबैक कार ही है, लेकिन ये कार टिगोर से थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम है और इसमें टिगोर पे आपको थोड़ा प्रीमियम पैकेज देखने को मिलेगा। टाटा अल्ट्रोज ईवी में टाटा नेक्सॉन ईवी की तरह ही बड़ा बैटरी पैक मिलने वाला है और एक बार सिंगल चार्ज होने के बाद इसकी ड्राइविंग रेंज अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास होगी। टाटा अल्ट्रोज ईवी में भी आपको लंबी वारंटी मिल जाएगी बैटरी के साथ और बढ़िया कूलिंग सिस्टम के साथ आने वाली है ये बैटरी, जिससे कि ये कार हीट कम होगी और ये बैटरी वाटर प्रूफ होंगी, तो आप गाड़ी को कीचड़ में भी आराम से कूदा सकते हैं। इंडिया में लॉन्च होने के बाद टाटा अल्ट्रोज ईवी की शुरुआती एक्सशोरूम कीमत अराउंड 14 लाख रुपीज़ के आसपास ही शुरू होगी। लिस्ट में नेक्स्ट कार भी टाटा मोटर्स की ही कार है, टाटा HBX। ये एक माइक्रो SUV कम हैचबैक कार होगी। अभी इस कार के लॉन्च के बारे में और इस कार के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कुछ भी एग्जैक्टली रिवील नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें आपको बैटरी पैक और मोटर टाटा टिगोर के जैसी ही देखने को मिलेगी, लेकिन इसका बॉडी स्ट्रक्चर SUV लाइक होगा और देखने में ये कार थोड़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। फीचर्स वगैरह भी इसमें आपको थोड़ी बढ़िया देखने को मिल जाएंगे। इसके लॉन्च और कीमत की बात करें तो टाटा HBX इंडिया में टाटा टिगोर ईवी और अल्ट्रोज ईवी के बाद ही मार्केट में लॉन्च होगी, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी इंडिया में लॉन्च होने के बाद इस कार की भी एक्सपेक्टेड कीमत अराउंड 8-10 लाख रुपये हो सकती है। फ्रेंड्स, ये जो तीन कार्स मैंने आपको बताई, ये प्रोडक्शन स्टेज में है, मतलब इन कार्स का प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी वगैरह रेडी हो चुकी है और ये गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च हो ही जाएंगी। इसके अलावा महिंद्रा भी अपनी इलेक्ट्रिक XUV 300 को मार्केट में लॉन्च करने के प्लान में है, लेकिन इसके एग्जैक्ट डिटेल्स वगैरह कुछ भी रिवील नहीं किए गए हैं, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट मॉडल ही दिखाया गया था। अभी के टाइम में महिंद्रा अपने न्यू XUV 700 को लॉन्च करेगी, स्कॉर्पियो और बोलेरो वगैरह को लॉन्च करेगी और उसी में महिंद्रा बिजी है। इन सब के लॉन्च के बाद आपको इलेक्ट्रिक कार्स के सेगमेंट में सबसे पहले XUV 300 मार्केट में देखने को मिल सकती है। बाकी फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी कार्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट मॉडल्स दिखाए गए हैं, लेकिन इनके लॉन्च के बारे में एग्जैक्ट डिटेल्स हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्वो अपने XC40 को इंडिया में लॉन्च करेगी। वॉल्वो की SUV कार ये मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक वर्जन वॉल्वो मार्केट में उतारने वाली है। इसके अलावा किया मोटर्स की इलेक्ट्रिक SUV किया सॉल भी हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। इन सब के साथ साथ बाकी मास मार्केट के लिए कार बनाने वाली कंपनीज जैसे कि मारुति, रेनॉल्ट और हुंडई वगैरह होगी, ये सब भी अपने जल्द ही इलेक्ट्रिक कार्स को मार्केट में लॉन्च करेंगी, लेकिन अभी इन कंपनीज के कॉन्सेप्ट मॉडल ही आए हैं और ये टेस्टिंग स्टेज में हैं। इनके लॉन्च के बारे में अभी कुछ भी एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है। खैर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काम का लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वर्ल्ड वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।